सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं कश्मीर के दल झील पे। ऐसा लग रहा है कि बर्फ जमी हुई है। और व्यू ऐसा लग रहा है कि हम लोग भाग भी सकते हैं ना बर्फ पे। ऐसा लग रहा है, ट्राई करें स्केटिंग वो का सफर। ट्राई करें एक बार चल के दिखाएं। नहीं ट्राई करें एक बार। शूज नहीं है ना वो वाले? नहीं उससे क्या होता है, ऐसे चल जाएगा, दिक्कत नहीं। ओ माय गॉड, आज तो पानी को वाला नहीं होता गेम, जो पत्थर मारो। अच्छा इसलिए वो वाला। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि बर्फ जमी पड़ी है। जो बंदे आए थे यहाँ बोटिंग बेचारों को नहीं मिली, आज हम लोग आए तो खड़ी है तीन तीन। अच्छा तुम आए थे उस दिन फैमिली के साथ में? फैमिली के साथ संडे को नहीं आया था। हाँ ये शटर्ड हो गया। अच्छा अच्छा, तो बोटिंग नहीं मिली थी? हमको तो मिल गई थी संडे को, बंदे आए उनको रिलेशन वाली है। हाँ उनको बोटिंग नहीं मिली। रात तो बोट तो खड़ी पड़ी क्योंकि ठंड है और हम लोग सिर्फ ठंड में आ चुके हैं घूमने के लिए। ये जो ना आधी पोर्शन जो है ना, ये जो पोर्शन है ये ऐसा सच में लग रहा है कि बर्फ जमी पड़ी है। और ऐसा इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कश्मीर गया हुआ हूँ, तो जैसे वहाँ के फोटोज वगैरह, और मैंने थोड़ा बर्फ तो मेरे सामने नहीं जमी थी, मगर जो कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है मूवीज वगैरह में, पिक्चर वगैरह में देखा तो दल गेट ऐसा ही लगता है। क्यों अर्जियन, लगता है कि नहीं लगता है? बोटिंग नहीं यार, ठंडा जाएंगे अगर बोटिंग करेंगे, हवा बहुत तेज चल रही है। तो अमृत सरोवर से हम लोग अभी आ चुके हैं लखीमपुर, होने लगी बारिश। हम लोग क्या करने आए हैं? भटूरे खाने यहाँ पे। तो बारिश भी होने लगी है, जल्दी से खाते हैं और फिर निकलते हैं यार। तो गाइस घर में पहुंच चुका हूं और घर पे जैसे आया तो मौनी और उनके बच्चे आए हुए हैं, तो उनको लेकर मैं जा रहा हूं फिर से। कहां लेकर जा रहे हैं? अमृत सरोवर। तो चलते हैं, घुमाते हैं फिराते हैं और मजे करते हैं। बहुत लोग जा रहे हैं हम लोग फैमिली वाले अमृत सरोवर, तो चलते हैं अमृत सरोवर में, मिलते हैं डायरेक्टली। अबे ओ ये निकला है अमृत सरोवर में व्यू के साथ। One day later. 10 जनवरी है और मेरा नाश्ता आ चुका है और टाइम आज सुबह में काफी जल्दी उठ गया था। टाइम हो रहा है आपको दिखाता हूँ, 8:30 हो रहा है। नाश्ते में अंडा ब्रेड और चाय है, बस है। तो खाते हैं और क्या करते हैं फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि आज मेरी कहीं प्लानिंग है जाने की। बने रहिए व्लॉग में, वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, एक सेकंड लगता है यार सब्सक्राइब करने में, कर दिया करो यार प्लीज भाई। हे गाइस तो मैं हो चुका हूँ रेडी नहा कर। यार जाड़ों में नहाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है। मैं हो चुका हूँ पूरी तरीके से रेडी और अभी मैं और मम्मी और पापा तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। ठंडे कार में ठंड लगती नहीं, तो थोड़ा एक्सपर्ट हो रहा हूँ गाड़ी चलाने में, तो अल्हम्दुलिल्लाह की गाड़ी थोड़ी बहुत आने लगी है, तो एक्सपर्ट हो रहे हैं चलाने में। तो मम्मी पापा को घुमाने के लिए हम लेकर जा रहे हैं, यहाँ से एक प्लेस है उदनापुर, हमारी फूफी लगती है तो उनके घर जा रहे हैं। घर पे हमारे मेहमान हमेशा रहते हैं, अभी हम लोग जा भी रहे हैं तब भी हमारे घर पे मेहमान जा रहे हैं उदनापुर, और एक दो प्लेस वहीं पे गांव है वहां पे भी देखेंगे घूमेंगे रिश्तेदार है। तो रेडी हो चुका है भाई, ठंड में यार जो इंसान को बहुत वैसे तो रेडी होना पड़ता है, मतलब ठंड भी ना लगे, कान में भी ठंड ना लगे, ये वो मतलब बहुत माइंड में रख के रेडी होना पड़ता है। तो ज्यादा बात ना करते हैं, चलते हैं गाड़ी निकालते हैं फिर चलते हैं घूमने के लिए। तो गाइस हम लोग उदनापुर गए, वहां पे हम लोगों ने सबसे मिले, अच्छे से बातें की, एंजॉय किया, मजे आए। फिर अचानक से मेरी प्लानिंग बन गई उदनापुर से कि यहाँ से तो लहरपुर बहुत ज्यादा करीब है, लहरपुर चलते हैं तो वहां भी सबसे मिल लेते हैं। तो फिर वहां से मैं चला गया लहरपुर, बाकी चीजें व्लॉग में देखिए। तो गाइस उदनापुर लहरपुर घूमकर मैं आ चुका हूँ अब घर पे, रात हो गई काफी ज्यादा, रात में भी ड्राइव करके कार काफी ज्यादा मजा आया। तो अभी सोते हैं फिर आपको सुबह मिलते हैं हम आपसे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज, सुबह मिलते हैं आपसे। One day later. डेट है आज 12 जनवरी और 3 बजे जुम्मा था, नमाज पढ़ ली मैंने, पूरी तरीके से रेडी वेडी हो चुका हूँ, खाना वाना खा लिया। बट मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, मेरा ये जो रूम है, ये मेरा जो रूम है इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ गाइस, मुझे वैसे लगता था कि एक चूहिया है बट मेरे कमरे में 3-4 चूहिया है, छोटी बड़ी सभी साइज की, सारी वैरायटी की मेरे कमरे में चूहिया है, वो इधर से उधर मतलब मेरे कमरे में डोलती रहती है। उनका एक रोड है, इधर से किचन से ऐसे आती है, इधर से होते हुए मेरे सर के ऊपर से होते हुए इधर से होते हुए इधर घूमती रहती है। मैं बहुत दिन से ज्यादा परेशान था बट मैंने कोई एक्शन नहीं लिया था। अच्छा अभी मैंने तो रिसेंटली मैंने एक दिन मॉर्निंग में 5:00 को मैंने चिप्स खाया था, मैंने मतलब रात में मैंने चिप्स खाया था तो मैंने फेंक दिया था यहीं पे रैपर उसका, उसके अंदर सुबह 5 बजे उठ के खुर 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 मेरे को नींद उठा दी, मेरे को मेरी नींद पूरी खराब कर दी।
लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। तो मैंने डिसाइड किया 2-3 दिन पहले कि उनको खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, उनका कुछ इंतजाम कर दूंगा। तो तब भी मतलब मैं माइंड में रहता नहीं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जैसे कि आपको पता है मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। तो मैंने पापा से बोला था तो कि इनका कुछ करें कुछ करें कुछ करें, मगर कुछ समझ में नहीं आता। बट नहीं पता क्या हुआ, यहाँ पे एक मैंने साउंड रखा था जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये साउंड मैंने यहाँ पे रखा है, तो इसके अंदर मैंने अभी देखा वो चुहिया गई, तो मैंने अपना सॉक्स लगा दिया, मोजा यहीं पे लगा दिया। तो एक तो चुहिया पकड़ ली गई, वो भी सबसे बड़ी, तो उसको पकड़ते हैं और फिर उसको कहीं दूर छोड़ के आते हैं, साउंड को निकालते हैं। गाइस मुझे भी चुहिया से ये सब चीजों से डर लगता है, तो मैंने इंतजाम किया कि उसको मैं पकड़ूंगा कैसे, क्योंकि मैं हूँ केला, मैं लेकर आया हूँ वाइट झिल्ली। तो इस झिल्ली में होल के पास में ये झिल्ली रखेंगे और उसमें से निकलेंगे, उसमें से उसको पकड़ लेंगे। शाबाश, ये चलें देखते हैं कैसे क्या करते हैं। इसमें मोजा लगा हुआ है गाइस, इसको हटाते हैं और ले चलते हैं। गाइस मैंने इंतजाम ऐसे किया कि पूरे साउंड को इस झिल्ली में डाल दिया, अब इसको मोजे को हटाऊंगा और चूहिया निकलेगी इसमें गिरेगी, उसको पकड़ लेंगे। ठीक है कैमरा, आई होप दिख रहा होगा। पीछे देखो, कल अबे पाए कर लिया, अबे हाथ हो गई, अबू हो गई ना, अबू मेरे पापा भी गए चले गए। कहाँ गए चूहिया यार, चूहिया कहाँ गए, चूहिया कहाँ गए, चूहिया कहाँ गए। मैं उसको पकड़ लेता हूँ। गए चूहिया पकड़ ली गई, ये रही, इसको पकड़ लिया है, बहुत परेशान करके रखा है ये चूहिया ने, तो इसको पकड़ लिया, इसको बाहर कहीं फेंकवा देंगे हम। मैं तो भाई जाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो एक चूहिया पकड़ ली गई, उसको मैंने फेंकवा दिया है, और गाइस पापा से बोल दिया कि दवाई जल्दी से लाके रूम में रख दे, बाकी पूरे घर पे भी दवाई रखवा देते हैं क्योंकि चूहिया बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो ये भी एक भाई दिमाग का दही वाला काम था, बहुत ज्यादा परेशान था, तो वो भी एक हो जाएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे यूजर नेम आ रहा होगा, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, और भाई चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। और एक सब्सक्राइब का मैं बहुत जल्दी एक आपको चैलेंज देने वाला हूँ, बहुत जल्दी चीज अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तो प्लीज उस चीज का वेट करना। और गाइस सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को शेयर करें अपनी फैमिली मेंबर्स के, क्योंकि मेरे व्लॉग्स रहते हैं फैमिली टाइप के। तो और इसी दुआ के साथ मैं वीडियो करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों का ख्याल रखें, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।